क्रांति के शुभ अवसर पर मैं सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विशेष तौर पर वशिष्ठ भाई को मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि सब लोगों को आज से नहीं बहुत जमाने से, जब ये पहली बार सांसद बने तब से, आज के अवसर पर, मकर संक्रांति के अवसर पर जहाँ भी ये निवास करते हैं वहाँ लोगों को चूड़ा दही खाने के लिए आमंत्रित करते हैं, तो हम लोगों को भी आमंत्रित करते रहे हैं और हम लोग अब उपस्थित होते रहे हैं। सबको अपनी शुभकामनाएं हैं और आज के दिन का बहुत महत्व लोग मानते हैं। खरमास खत्म हुआ, सूर्य का दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर डिपार्चर होता है, जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का चक्कर है और उसी में जब सूर्य की स्थिति दक्षिणायन की होती है वही आज से उत्तरायण की हो जाती है, तो इसको बहुत लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं और इसका बहुत ही महत्व है। और आज के दिन लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं, सद्भावना का भाव रखते हैं और मुझे खुशी है कि आज के अवसर पर सभी तबके के लोग, और सिर्फ राजनीति वाले लोग ही नहीं, राजनीति के लोग भी और अन्य लोग भी आज के इस अवसर पर वशिष्ठ भाई के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हम लोगों के NDA के तमाम लोग तो हैं ही, इसके अलावे भी अन्य लोग भी हैं और बुद्धिजीवी गण हैं, पत्रकार लोग हैं, अन्य सभी लोग हैं। मैं सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और आज के इस शुभ अवसर पर विशेष तौर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 35 लाख परिवारों को घर देने का नए साल का गिफ्ट है, क्या है ये योजना नए साल में? ये बात हम लोगों का पहले से ही था कि जो परिवार का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छूट गया था तो उन लोगों के लिए उनके नाम को भेजा गया इस आधार पर कि उनको भी हो जाए, तो उस पर तो केंद्र सरकार अपने उचित समय पर विचार करेगी। लेकिन जो स्थिति देखने पर कि किसी कारण से जो व्यक्ति का एक अन्य लोगों की तरह उसका भी एक वो मिलना चाहिए था, वो सुविधा मिलनी चाहिए थी, तो इसलिए हम लोगों ने विचार किया है कि हम लोग अपनी तरफ से उन लोगों का काम करना शुरू करें और जब केंद्र से आ जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन देर करना अच्छा नहीं लगता हम लोग जो जाते हैं। और दूसरी बात है, आप जानते हैं मुजफ्फरपुर की जो स्थिति होती है तो वहाँ का तो हम लोगों ने मुख्य प्रखंडों का जहाँ AES के शिकार लोग होते हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया था और उन प्रखंडों में हम लोगों ने ये तय कर लिया उस इलाके में जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं हर परिवार को ये आवास योजना का लाभ मिले, तो इसलिए उसको राज्य की मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तो सबको लाभ दिया जाएगा। तो यही निर्णय हुआ, यानी जिनका नाम किसी कारण से छूट गया उन लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देंगे और मुजफ्फरपुर के इलाके के जो बीमारी से प्रभावित लोग होते हैं उन इलाकों में खास करके 5 प्रखंड में सब लोगों को देंगे और यही हम लोगों का है। और आप लोग इतना ज़्यादा बिना मतलब का बहस चला, अब आज जो है जो ये आज चूड़ा दही खाइए आराम से, और आज का दिन हम शुरू से कह दिए मकर संक्रांति के दिन आपस में प्रेम का और सद्भावना का भाव होता है, आज के दिन उस विषय की चर्चा मत करिए जिसमें लगे कि अलग अलग ओपिनियन है और कुछ झगड़े का माहौल है, ये ठीक नहीं है। तो आज के दिन तो हम सब लोगों को बधाई देते हैं और सबसे आज के अवसर पर अपील करेंगे आप लोगों से भी कि न सिर्फ आप लोगों को प्रेरित करिए बल्कि आप लोग खुद भी
19 जनवरी को मानव श्रृंखला में शामिल होइएगा, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन के प्रति और पर्यावरण में जो चेंज आ रहा है उसके प्रति लोगों को कॉन्शस करने के लिए, अलर्ट करने के लिए हम लोगों ने यह अभियान चलाया है। और काफ़ी लोगों के बीच में हम लोगों ने जो देखा है बहुत अच्छा वातावरण बना है और लोग इस बात को समझने लगे हैं कि पर्यावरण में जो परिवर्तन आ रहा है उससे आने वाली पीढ़ी को बहुत नुकसान होने वाला है। इसलिए लोगों की सजगता हम देख रहे हैं और लोग अच्छी खासी संख्या में ज़रूर शामिल होंगे। तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप लोग भी ज़रूर मानव श्रृंखला में शामिल होइएगा और एक पत्रकार के रूप में आप लोगों को भी कहिए, प्रेरित करिए कि इसमें शामिल हो। और आपको जितनी बात करनी हो, जो भी बात करनी हो, चाहे वह मुद्दा जो भी हो, उस पर आप 19 तारीख के बाद बात कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये जल जीवन हरियाली पर कॉन्शसनेस है जल जीवन हरियाली के लिए, और जो नामकरण हम लोगों ने किया है इस बात को बहुत अच्छे ढंग से लोग समझ रहे हैं कि जल जीवन हरियाली, यानी जीवन जल और हरियाली पर ही निर्भर करेगा। अगर जल और हरियाली है तो जीवन सुरक्षित है, अगर जल और हरियाली में कमी आएगी तो जीवन संरक्षित नहीं रहेगा, उसकी सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न होगा, आने वाली पीढ़ी पर संकट होगा। इसलिए इस अभियान का जो नामकरण हम लोगों ने किया है और इसके अलावा जो हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया है और 11 आइटम इसमें जो हम लोगों ने तय किया है और सब चीज पर हरेक पूरे बिहार में इस पर काम करने जा रहे हैं। इसमें अन्य प्रकार से कई योजनाएं चल रही हैं, उसका भी लाभ मिलेगा। और अतिरिक्त रूप से जल जीवन हरियाली अभियान जो मिशन मोड में लागू किया जा रहा है उसके लिए बिहार सरकार ने 3 वर्ष के लिए फिलहाल 24,500 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का आवंटन किया है, स्वीकृति प्रदान की है। और जो हमने दौरा किया है जरूर पूरे तौर पर, और जो कुछ सामने चीज़ें आएंगी तो इसमें और भी जरूरत पड़ेगा संसाधन का, लेकिन जो भी जरूरत पड़े सबसे बड़ी बात है जल के लिए और हरियाली के लिए हम लोगों को काम करना है ताकि लोगों का जीवन सुरक्षित रहे और ये पर्यावरण की स्थिति में सुधार लाएगा। तो यही हम लोगों का है, इसी के लिए हम लोगों का पूरा ध्यान देना है।